दोस्तों कैसे हो आप सब, स्वागत है पेट्रोल गेम पॉइंट में। और गाइस आ चुके हैं यहाँ पे, आज भी है इंडियन कार की एक्सट्रीम टेस्टिंग करने। देख सकते हो यहाँ पे है अपने पास टाटा पंच, कितनी दब चुकी है भैया नीचे, क्योंकि इसके पास है ऊपर इतना बड़ा बोझ। और भैया ये वुडन जो है यहाँ पे वुड रख रखी है हमने, इतनी सारी लकड़ियां रख रखी है। और भैया ब्रेजा का डिब्बा तो बिल्कुल दब ही गया है, देख लो टायर कितने नीचे दब चुके हैं। और अपने स्कॉर्पियो एंड भैया बिग डैडी ऑफ एसयूवीज कही जाने वाली कार जहाँ यहाँ पे बोझ लेके घूम रही है, यहाँ पे S11 खड़ी है भैया, अपनी फॉर्च्यूनर खड़ी है भैया, मंत्रियों की कार यहाँ पे देख सकते हो कितनी शान से खड़ी है। तो गाइस देखते हैं कौन सी कार सबसे बेस्ट परफॉर्म करेगी और कौन सी कार जो है यहाँ पे इस बुड्स को पार कर पाएगी रिवर से। तो भैया रिवर क्रॉसिंग टेस्ट है इस बुड्स के साथ में, इंडियन कार्स का एक्सट्रीम टेस्ट होने वाला है ये वाला। तो भैया देखते हैं कौन सी कार सबसे पहले कर पाएगी। और भाई फ्रैंकलिन भैया झूम झूम के अंदर जा रहे हैं, और भैया इसका बोझ काफी ज्यादा है, और टाटा पंच के सस्पेंशन आप जानते ही हो। और भाई ये लो टाटा पंच ने तो फिलहाल आराम से कर दिया यार, और भाई ये तो बोझ काफी ज्यादा लेके घूम रही है। और गाइज लकड़ियां थोड़ी सी डिसबैलेंस ना हो जाए, ओ भाई भाई भाई, ओ भाई साहब, ओ गाइज गाइज यहाँ पे अपने टाटा पंच डिसबैलेंस हो रही है भैया, अगर थोड़ी सी भी इधर उधर हुई तो भैया गिर जाएगी नीचे। और भैया मिनी हैरियर कही जाने वाली टाटा पंच यहाँ पे जो है टेस्ट को पार कर चुकी है, और भैया सच में मिनी पंच साबित हुई, मिनी पंच कह रहा हूँ, मिनी हैरियर। और भैया इसने ये टेस्ट पार कर लिया, मैं तो बाहर आ गया भैया, काफी गजब टेस्ट था यार, मतलब बड़े आराम से पार कर लिया। तो अभी देखते हैं कि बाकी कार जो है कर पाएंगे, अभी ब्रेजा कर पाएगी यहाँ फिर नहीं, तो भैया ब्रेजा का तो पक्का नहीं पता, कह नहीं सकते यार, बाकी देख लेते हैं एक बार। और भैया मैं ब्रेजा के अंदर बैठ चुका हूँ, देख सकते हो काफी बढ़िया फ्रंट रेंज रोवर वाला कॉपी किया हुआ। और भाई मारुति का डिब्बा आ चुका है गाइज आराम से, और भाई भाई ये क्या हो गया, ओ भाई साहब सस्पेंशन देख रहे हो गाइज भैया बढ़िया, और गाइज यार पलट भी ना जाए, और पलट गई बिल्कुल बस, और भाई बचा ली हमने कैसे ना कैसे करके। और भैया बिल्कुल धीरे धीरे जा रही है, यहाँ पे हमने ब्रेजा भी रोक दिया भैया, तो ब्रेजा से निकल के हम चलते हैं सीधा अपनी स्कॉर्पियो एन की तरफ भैया, जो कि बिग डैडी ऑफ एसयूवीज की कहते हैं हम ये से। तो ये देखते हैं ये कार जो है पार कर पाएगी टेस्ट या फिर नहीं, इसकी छत काफी ऊंची थी तो यार आराम से बैठ पाया, वरना उन दोनों ने तो तंग कर दिया भैया। तो भैया स्कॉर्पियो यार SON है अपने पास, बड़े आराम से लेके जाएंगे, पानी में टच नहीं हो रही ग्रिल इसकी पूरी, और भैया बड़े आराम से पार हो गई यार, इससे तो कोई दिक्कत आने ही नहीं वाली थी, मुझे पहले ही पता था। बाकी यार इसमें धुरंधर ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज है यार, क्या ही बताएं। तो भैया इसे भी लगा लेते हैं पार्किंग में, तो यहाँ पे लगाते हैं, ओ भाई टाटा पंच की लकड़ी खराब करेगी, देखते हैं गाइस। और भाई लकड़ी आर पार हो रही है, क्योंकि ये दोनों में मैंने कोलिजन वार्निंग नहीं दी। तो भैया अपनी जो है अपनी स्कॉर्पियो एन ने भी बढ़िया टेस्ट पार की, और अलॉयज देख रहे हो ये कितने जबरदस्त हैं। और भैया फिर आती है अपनी स्कॉर्पियो S11, और भैया मैं पानी के अंदर ही चला गया था, S11 भी काफ़ी बढ़िया यार, S11 का तो कोई जवाब ही नहीं है, काफ़ी बढ़िया पुरानी जमाने से चली आ रही है अपनी स्कॉर्पियो। और भाई साहब इसने भी पार कर दी, इसकी ग्रिल थोड़ी सी डूब गई थी बट गाइस बंद नहीं हुई यार, देख रहे हो। और भैया ऑफ रोडिंग तो काफ़ी बढ़िया कर ही लेती है। और भाई ये क्या, ये क्या, ओ भाई साहब, तो भाई जिसे भी लगा देते हैं यहाँ पे। और भाई 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 ये क्या हो गया, दबंगियों की गाड़ी है भैया ये, दबंगी कार, तो देख सकते हो भैया इसने तो बढ़िया आराम से पार कर दिया ये। तो भैया नेक्स्ट कार देखते हैं अपनी फॉर्चुनर पार कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी। फॉर्चुनर में भैया दिक्कत है, वो दिक्कत क्या है गाइज, वो दिक्कत है कि गाइज ये जो है कार 4x2 है, जी हाँ गाइज सिर्फ रियर व्हील ड्राइव है भैया ये कार, दिखने में जितनी लग रही है। और भैया देख रहे हो कितनी बढ़िया वुड्स टांगी हुई हैं अंदर से, तो पता भी नहीं लग रहा। और भैया ये फ्रंट व्हील ड्राइव, मतलब फ्रंट व्हील्स इसके काम नहीं करते, सिर्फ रियर व्हील ड्राइव है भैया, तो ये देख लेते हैं, बड़े आराम से लेके जाएंगे। तो भैया फॉर्चुनर इस बार देखते हैं डूबेगी या फिर नहीं, भैया ग्रिल तो अभी पानी में नहीं डूबी, और भैया बंद ना पड़ जाए यार, और भाई बंद हो गई ये, ओ गाइज ये बंद हो गई गाइज ये कार, ओ भाई साहब मुझे पहले ही डर था, क्योंकि गाइज ये फ्रंट व्हील इसके काम नहीं करते, सिर्फ रियर व्हील ड्राइव है। तो भैया देखते हैं कैसे करते हैं गाइज इसका इंतजाम। और भैया मेरे सिर पे लकड़ियां आ रही है, बाकी यार वो डोर भी खुल चुका भाई साहब। बाकी यार आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।